रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हैप्पी कुकिंग से बोल रही हूँ। व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको, हर दाल है इंटीरियर पंजाब में होती है, देखें ये दाल है, इसको देखें, इसको हर दाल बोलते हैं। आज मैं इस दाल की आपको रेसिपी बताऊंगी अपने स्टाइल में, चटपटी ढाबा स्टाइल। देखें, इसको धो के मैंने एक पाव के करीब, सॉरी ज़्यादा है, देखें ये दाल मैंने धो के इसमें, और इसको मैंने 2-3 घंटे भिगो दिया है। अब मैं इसको इस पानी में थोड़ा उबालूंगी, फिर मैं ना इसको निकाल के, फिर ये मसाले डाल के, फिर इसको मैं पकाऊँगी। थोड़ा इसमें से डार्क डार्क पानी थोड़ा निकल जाएगा। ये देखें उबल रही है, 2 घंटे मैंने भिगोई है। यही वो मैंने आपको बताया, ये देखें दाल है, मैंने आप लोगों को दिखा दूँ, ये ऐसी दाल होती है। ये देखें, कराची में भी एम्प्रेस मार्केट या कहीं मिलती होगी ज़रूर। ये देखें, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 2 मैंने छिलके उतार के टमाटर विवर्स ले लिए हैं। 1 देखें मैंने प्याज ली है, ये मेरे पास चिकन क्यूब पड़ा हुआ था, ये मैं 1 ले रही हूँ। धनिया पुदीना है, देखें धनिया भी है पुदीना, ये 2 हरी मिर्चें हैं। अगर आप लोगों के पास चिकन क्यूब ना हो तो इसको स्किप कर दें, मेरे पास था तो मैंने डाला। चिकन पाउडर हो तो वो भी डालें, इससे जायका अच्छा निकलता है। अब व्यूअर्स देखें, ये मैंने 1 छोटा चमचा लाल मिर्चें ली हैं, लाल मिर्चें पाउडर ली हैं, 1 छोटा चमचा मैंने ज़ीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 देखें ये हल्दी, मैंने छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 कश्मीरी लाल मिर्चें 1 छोटा चम्मच लिया है, ये 1 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, और ये मैंने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई है ना काली मिर्चें हैं। और व्यूअर्स देखें, दाल को मैंने बराबर में रख दिया है, ये अलग वो हो रही है, निकालूंगी इसको। अब मैंने ये देखें, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। आप लोग तेल, मिर्ची, नमक अपने हिसाब से डाला करें, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हम लोग ये तीनों चीज़ें कम खाते हैं। अब व्यूअर्स देखें, मैं इसमें ये प्याज 1 डाल रही हूँ, ये देखें, अब ये प्याज थोड़े सा हो जाए ब्राउन तो फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ। मैं देखें 1 टीस्पून चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया है। ये देखें मेरे प्याज रेड होने चले हैं। अब व्यूअर्स देखें, ये प्याज 60% ब्राउन हो गए। मैं इसमें अदरक लहसुन देखें डाल रही हूँ, बिल्कुल मैंने अब दम वाली आग कर दी है छोटी सी। अब व्यूअर्स इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ, देखें ये चिकन क्यूब डाल रही हूँ, आपके पास हो तो डालें नहीं तो स्किप कर दें। चिकन पाउडर रेंज में सही पड़ता है, वो भी आप लोग लेकर रखा करें थोड़ा खानों में, थोड़ी उसकी जायका अच्छा। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाला है, ये मैंने धनिया पाउडर डाल रही हूँ, देखें 1 टीस्पून चम्मच, ये हल्दी पाउडर देखें व्यूअर्स डाल रही हूँ, ये नॉर्मल लाल मिर्चें डाल रही हूँ, ये ज़ीरा मैं डाल रही हूँ, और आखिर में फिर मैं दाग में भी डालूँगी कड़ी पत्ता और ज़ीरा। अब मैं फिर आग तेज़ कर रही हूँ, इसको थोड़ा भून रही हूँ। और इसका पहला वाला पानी थोड़ा काला काला आता है तो मैं इसको निकालूँगी छन्नी में। देखिए इस दाल को मैं पानी गिराने जा रही हूँ, उसका जो डार्क कलर का पानी निकलता है। पहला मसाले में दाल को डाल रही हूँ, देखें कितनी अच्छी दाल लग रही है, ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ दाल।
मैड ने मुझे खिलाई थी तो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा अपना थोड़ा, उन्होंने फिर इतने मसाले नहीं डाले हुए थे। हम लोग यहाँ के फिर थोड़ा चटपटी वो करते थे, फिर सारी रात भी इसको भिगो के रख सकते हैं। अब जब भी गले, एक डेढ़ घंटा ये लगाएगी गलने में। थोड़ा मैं इसमें ये पानी डाल रही हूँ, तीन गिलास के करीब। इस वजह से ये गलने में थोड़ा टाइम लगाती है ये दाल। अगर हम लोग जितना भिगोएंगे हमें फ़ायदा होगा। मैंने दो ढाई घंटे भिगोई है, बस मेरा अचानक प्रोग्राम बन गया है। मैं इसको ढक्कन लगा के एक घंटे के लिए रख देती हूँ, फिर आपके साथ में एक घंटे के बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स देखें, ये मेरी हर दाल बनके देखें तैयार है। इतनी अच्छा जायका है व्यूअर्स, पहली बार मैं पका रही हूँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गोश्त में दाल डाली हुई हो, इतना अच्छा इसका जायका आ रहा है। मुझे तो रास्ता मिल गया, ये मैं तो मंगा के बनाया के खाया करूँगी। देखे मैं ये ज़ीरा डाल रही हूँ, ये देखें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, और व्यूअर्स देखें ये लौंगी मिर्चें डाल रही हूँ रेड वाली। व्यूअर्स थोड़ी सूख गई थी, हम लोग चावलों के साथ खाएंगे, तो देखें मैंने ज़रा सा इसमें वो कर दिया है पानी की तरह। आधी मैंने दाल बिल्कुल मैश कर ली है, आधी फिर मैंने ये खड़ी रखी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने गोश्त में हम लोग दाल बनाते हैं ना, वैसे बिल्कुल गोश्त जैसा फ्लेवर इसमें आ रहा है। अब व्यूअर्स देखें एंड में मैं इसमें ये गरम मसाला डाल रही हूँ जो मैंने लिया था। ये काली मिर्चें देखें मैं डाल रही हूँ। व्यूअर्स देखें ये मैं धनिया पुदीना डाल रही हूँ, ये देखें इसका एंड चल रहा है दाल का। ये एक हरी मिर्ची मैं ऐसे डाल रही हूँ काट के, एक ऐसे ही डाल रही हूँ। मुझे व्यूअर्स थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, मैं नमक भी डाल रही हूँ। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है नमक मिर्ची अपने हिसाब से किया करें, तेल नमक मिर्ची सब अपने हिसाब से किया करें, मेरा अपना हिसाब है। अब व्यूअर्स देखें ये मैं मक्खन, ये देखें आप लोग ऐसे भी खाएं समझें, ये बगैर तड़के के बगैर ये दाल मतलब समझें पकी हुई है, वाइंड अप है। मगर वही एक दिमागी वो हमारा होता है ना, बच्चे कहते हैं तड़के वाली दाल। अब देखें ये मैं इसमें लौंगी मिर्चें कड़ी पत्ता और ये डाला हुआ है क्या होता है ज़ीरा, फिर थोड़ा मक्खन डाल दिया है मैंने। आपके पास नहीं ऐसे भी करें आप लोग, फिर भी दाल बहुत अच्छी टेस्टी बनी है। अब देखें मैं दो नींबू इस पर छिड़क रही हूँ जब तक से ये थोड़ा वो हो जाए तड़का, नींबू के साथ और अच्छा इसका जायका बन जाएगा। मेरे पास छोटे साइज़ के हैं, आपके पास बड़े साइज़ का हो तो एक ही काफ़ी है। बहुत अच्छी दाल बनी है, इतनी ज़िंदगी गुजर गई पता ही नहीं इस दाल का था। देखें अभी ये देखें ये देखें व्यूअर्स, छोटी साइज़ के दो नींबू गए, बड़ी साइज़ का एक नींबू। बार बार देखें आपको बोलती हूँ नमक मिर्ची तेल अपने हिसाब का रखा करें, मैं अपने हिसाब का रखती हूँ। ये देखें मैं चक्के थोड़ी देख रही हूँ हथेली पे डाल के, परफेक्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। वाओ कड़ी पत्ता और ये ज़ीरा और ये लौंगी मिर्चें बहुत ही व्यूअर्स
ज़रूर मेरे कहने पे बनाइएगा। मैं एक बार फिर आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसी दाल होती है, ये देखें, ये दाने वांग की तरह। मैंने कहा आपको फिर दिखा दूँ, जैसे वाइट ब्लैक काली मिर्ची होती है ना, बिल्कुल ऐसी है ये दाल। अब देखें, मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया है, मेरी दाल बन के तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके ये दाल दिखाती हूँ। बेटे के लिए निकालूँ, मैं सर पे चढ़ के साइड में खड़ा हुआ है, ऊपर ऊपर से जो मक्खन का तड़का है उसके लिए निकाल रही हूँ बेटे के लिए। और लेट हो गए हैं गलने में, इसने बड़ा टाइम लगा दिया है दाल ने। देखिए मैंने अपने बेटे के लिए निकाली है, बाकी बस देखें, ये हर दाल बनके मेरी तैयार है। और ये देखें मैंने अपने बेटे के लिए खूब ये इसमें मक्खन ज़्यादा वाली निकाल ली आप लोगों के सामने ही, और कड़ी पत्ता वगैरह उसको थोड़े, और इसमें बाकी सारा मैंने मिक्स कर दिया है। अब आप बताइएगा आपको ये मेरी दाल कैसी लगी। बहुत ही व्यूअर्स अच्छी बनी है, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। आप खा के उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं तो पहले ही चख के खा ली थी अच्छी खासी। अब व्यूअर्स मुझे बेल का बटन प्लीज़ दबाएं, मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं प्लीज़। मेरा नया चैनल है, आप लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें रिश्तेदारों में, और सब्सक्राइब करें, एक बटन ही दबाना होता है प्लीज़। बंदा एक दूसरे का ख्याल रखे, मैं आपको अच्छी अच्छी रेमेडी कोशिश करती हूँ देने की, रेसिपी आपको मैं अच्छी अच्छी रेसिपी देती हूँ कि आप लोग बनाएं घर में खाएं। जो आजकल के बच्चों के नखरे हो गए हैं, तो उस हिसाब से बहुत ही जायके वाली अच्छी वो भी दाल थी, और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी दाल है। अब मैं अपनी वीडियो बंद कर रही हूँ, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।